दोस्तों, सऊदी अरब की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है? यही सवाल विशाल को परेशान कर रहा था, हैरान कर रहा था। अक्सर उसकी जो मालकिन होती, वो विशाल को पैसे दिया करती थी और कहती कि जिस स्टोर से मैं सामान लाती हूँ रोजाना, उसी स्टोर में जाओ और मेरे लिए गुलाब जल और फिटकरी लेकर आओ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कभी भी तुम अपने मालिक को यह बात मत बताना कि जो मालकिन है वो गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करती है और मुझसे रोजाना मंगवाती है। दोस्तों, जब वो विशाल इतना सुनता है तो वह और हैरान हो जाता है, उसके मन में और बेचैनी होने लगती है और वो इस राज को जानने के लिए और परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है। दोस्तों, जो विशाल होता है वो इंडिया का रहने वाला होता है और वो सऊदी अरब गया हुआ होता है काम करने के लिए, और एक रईस घर की औरत का वो ड्राइवर होता है, उसी औरत के साथ वो हमेशा रहा करता है। वो औरत जहाँ भी जाती वो उसका ड्राइवर बनके उसके साथ जाया करता था और वो गाड़ी चलाया करता था। दोस्तों, जो विशाल होता है लगभग 27-28 साल का लड़का होता है, यंग होता है, हैंडसम होता है, और वो जो मालकिन होती है वो भी लगभग 27-28 साल की होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। और जो उसका हस्बैंड होता है वो दूसरे मुल्क में रहकर काम कर रहा होता है, उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता था। विशाल जो होता है कहीं ना कहीं अपने ही मालकिन से वो प्यार कर बैठता है। दोस्तों, इस कहानी के अंत में क्या होता है, आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, और अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का तब्बू इंडियन वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वो सऊदी अरब की है। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विशाल। विशाल जो होता है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का रहने वाला होता है। विशाल के घर में बहुत गरीबी होती है, उसके माता पिता नहीं होते हैं, दो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, एक छोटा भाई होता है, एक छोटी बहन होती है। विशाल जो होता है घर का बड़ा बेटा होता है। वो अपने गाँव में रहकर इतना इनकम करता था जिससे सभी का पेट भर सके, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाता था। घर की कंडीशन सही नहीं थी, घर अच्छे नहीं थे, बरसात में पानी टपकती थी छत से। उसकी बहन की धीरे धीरे उम्र हो रही थी शादी की, और विशाल को यह सब बातें सताता था कि मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे उठाऊंगा, अपना घर कैसे बनाऊंगा। बस इसी में वो हमेशा डूबा रहता था। एक दिन वो अपने दोस्त को कॉल करता है। विशाल का जो दोस्त होता है वो सऊदी अरब में के जॉब कर रहा होता है। दोस्तों, एक दिन विशाल अपने दोस्त को कॉल करता है और कॉल करके अपनी सारी परेशानी बताता है और कहता है कि अगर तुम मेरे लिए वहाँ काम ढूंढ दोगे तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, जो उसका दोस्त होता है वो दिल का बहुत साफ होता है और उससे वादा करता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ काम भी ढूंढ दूंगा और तुम्हारा वीजा भी मैं भिजवा दूंगा। दोस्तों, वो तो उसे दिलासा दे देता है, लेकिन जो इधर विशाल होता है इंडिया में वो इस बात के लिए भी डर रहा होता है, क्योंकि अक्सर जो लोग जाते हैं सऊदी अरब में काम करने के लिए उन लोगों को अच्छा काम नहीं मिलता है। किसी को बकरी चढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है जंगलों में, तो किसी को बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, यही सब सोचकर विशाल घबरा रहा होता है, डर रहा होता है, लेकिन एक तरफ उसे इसका भी भरोसा होता है कि जो उसका दोस्त है वो उसके साथ कभी ऐसा नहीं करेगा, वो उसके लिए कुछ भी करेगा तो अच्छा ही करेगा। और दोस्तों, जो उसका दोस्त होता है विशाल का, विशाल के लिए वो वीजा भिजवा देता है। विशाल जो होता है सऊदी अरब चला जाता है सीधे अपने दोस्त के यहाँ। अपने दोस्त के पास वो रुकता है एक रात, उसके बाद दूसरे ही दिन वो उसको लेकर जाता है उसी मालकिन के पास जहाँ उसके लिए वो काम ढूंढा होता है। वहाँ जब जाता है तो मालकिन से उसे मिलवाता है। दोस्तों, जो मालकिन होती है विशाल को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती है। उसके बाद जो मालकिन होती है विशाल को सारा काम समझा देती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरा ड्राइवर बन के रहना है, जब भी मुझे कहीं जाना होगा शॉपिंग के लिए या फिर कहीं भी घूमने फिरने के लिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। उसके अलावा जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, मुझे कहीं जाना नहीं होगा, तो तुम्हारा एक क्वार्टर दिया हुआ है, तुम वहीं रहोगे और जब जब मैं कहूँगी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों, जो विशाल होता है वो सारे हुक्म उनका मान लेता है और कहता है जी मैडम, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। और दोस्तों, जो विशाल होता है उसकी उम्र होती है 27-28 साल, और जो मालकिन होती है उसकी भी उम्र लगभग उतना ही होता है, 27-28 साल लगभग उस मालकिन की भी उम्र होती है। और दोस्तों, जो मालकिन होती है वो बेहद खूबसूरत होती है, उसके गोरे गोरे गाल, गुलाबी होंठ और उसकी जो अदाएं होती है वो एकदम सेक्सी होती है, एक बार कोई भी अगर उनको देख ले तो उस पर फिदा हो जाए। दोस्तों, विशाल अपना ड्यूटी ज्वाइन कर
कर लेता है और फिर उसको लगभग एक हफ्ते वहाँ हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद विशाल का ड्यूटी शुरू हो जाता है। मैडम अक्सर विशाल को कहती कि गाड़ी निकालो, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है, मार्केट कुछ सामान लेने के लिए जाना है। दोस्तों वैसा ही करता विशाल। विशाल अपनी मैडम को गाड़ी में बैठाता, उसकी मैडम पीछे सीट पर बैठी होती और विशाल ड्राइव कर रहा होता है। दोस्तों अक्सर विशाल ऐसा करता कि आईने से हमेशा अपनी मैडम को वो निहारा करता था। कहीं ना कहीं जो विशाल होता है अपनी मैडम की तरफ वो खींचा चला जाता है, अपनी मैडम से वो प्यार कर बैठता है, लेकिन इस बात का वो कभी इजहार नहीं करता है क्योंकि विशाल को डर होता है। सऊदी अरब के जो कानून है उसको उसके बारे में पता होता है, वहाँ की जो कानून है बहुत ही सख्त है, मौत के बदले वहाँ मौत ही दिया जाता है, चाहे आप क्राइम जो भी करो वहाँ की कानून बहुत ही सख्त है। बस इस डर से विशाल चुपचाप रहता और अपने ड्यूटी को वो हमेशा निभाते रहता ईमानदारी के साथ। दोस्तों एक दिन विशाल को उसकी मैडम बुलाती है और बुलाकर कहती है कि विशाल जिस स्टोर में मैं जाती हूँ सामान लेने के लिए, तुम वहाँ जाओ और कहना कि मेरी मैडम ने फिटकरी और गुलाब जल मांगी है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लेके आना, पहले जितना लाते थे उससे थोड़ा ज़्यादा लाना। और हाँ एक बात का ख्याल रखना कि ये बात तुम कभी किसी से मत बताना और अपने मालिक से तो बिल्कुल भी नहीं, इसका बस तुम ख्याल रखना। दोस्तों जब विशाल को उसकी मालकिन इतना कहती है तो विशाल एकदम से परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मैडम अक्सर गुलाब जल और फिटकरी क्यों मंगवाती है और इसका करती क्या है, आखिर ये लगाती कहाँ है, क्या करती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसकी मैडम के कहने के मुताबिक वो उसी स्टोर में जाता है और वहाँ से जाकर वो फिटकरी और गुलाब जल लेकर आता है। जब वहाँ पे वो फिटकरी और गुलाब जल मांगता है तो वहाँ का जो ओनर होता है दुकानदार वो भी मुस्कुरा देता है और गुलाब जल फिटकरी दे देता है, वो भी लाकर सामान अपनी मैडम को दे देता है और जिसकी मैडम होती है वो भी मुस्कुरा कर लेती है और फिर अंदर चली जाती है। फिर अंदर से दोबारा आती है और फिर से उसे समझाती है कि देखो विशाल याद रखना ये बात तुम कभी किसी को मत बताना कि हम फिटकरी और गुलाब जल का करते क्या है, अपने मालिक को तो और भी मत बताना। दोस्तों यह बात सुनने के बाद विशाल एकदम से परेशान हो जाता है, अपने क्वार्टर में जाकर लेट जाता है और उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है कि आखिर मैडम करती क्या है गुलाब जल और फिटकरी का, आखिर इसका राज क्या है। दोस्तों उसके बाद जो विशाल होता है उस घर के कुछ नौकरों से भी पूछता है कि आखिर मैडम गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है, लेकिन दोस्तों कोई कुछ नहीं बताता है, बस सब इधर उधर की बातें बना कर रह जाते हैं, कोई उससे कुछ नहीं कहता है। दोस्तों दो तीन दिन बीतने के बाद एक दिन जो उसकी मालकिन होती है वो अचानक से विशाल को कहती है कि विशाल चलो मुझे एयरपोर्ट जाना है, दूसरे मुल्क से तुम्हारे मालिक आ रहे हैं, उन्हीं को लेने के लिए जाना है। दोस्तों जब विशाल इतना सुनता है तो एकदम से मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है और फिर गाड़ी निकालता है, अपने मालकिन के साथ जाता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाता है वो बाहर में गाड़ी में बैठा हुआ होता है, उसकी मालकिन बाहर निकलती है और एयरपोर्ट के अंदर जाती है और फिर अपने हस्बैंड के साथ वो बाहर आती है। जैसे ही वो गाड़ी के पास आती है अपने हस्बैंड के साथ, विशाल जो होता है उसके हस्बैंड को देखकर एकदम से चौंक जाता है, वो तो बौखला ही जाता है। दोस्तों जो उसका हस्बैंड होता है उसकी मालकिन का, वो लगभग 55 से 60 साल का बुजुर्ग आदमी होता है और जो उसकी मालकिन होती है वो 27-28 साल की यंग लड़की होती है। दोस्तों विशाल की मालकिन और उसका मालिक पीछे वाले सीट पर बैठा होता है, विशाल ड्राइविंग कर रहा होता है और दोनों मियां बीवी आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, रोमांस कर रहे होते हैं। विशाल मन ही मन सोच रहा होता है कि कितना बेशरम इंसान है, देख रहा है कि मैं हूँ आगे गाड़ी चला रहा हूँ और इनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, आखिर इतना भी कोई बेशरम कैसे हो सकता है। दोस्तों उसके थोड़े ही देर में लगभग 20 मिनट के अंदर ही वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं, विशाल गाड़ी को पार्क कर देता है और दोनों मैडम और सर जो होते हैं वो चले जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद वो लोग फ्रेश होते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके थोड़ी ही देर के बाद विशाल फिर जाता है अंदर लगभग एक घंटे के बाद और मैडम से कहने ही वाला रहता है कि मैडम कहीं जाना है क्या। विशाल जो देखता है उसका मालिक और जो मालकिन है वो ग्राउंड फ्लोर में ही बैठे हुए हैं सोफा में और दोनों रोमांस कर रहे हैं, कुछ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। विशाल जो होता है शर्मा जाता है और पीछे की तरफ हट जाता है। उसके बाद विशाल फिर खांसने की कोशिश करता है, इस तरह से जोर से वो खांसता है, जो उसकी मैडम होती है एकदम से डर जाती है, वो अपने पति को हटने के लिए कहती है लेकिन उसका जो पति होता है उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है। फिर उसकी बीवी कहती है थोड़ा तो शर्म कीजिए, ड्राइवर बाहर में ही खड़ा है। उसके बाद उसकी मालकिन बाहर आती है और कहती है कि हाँ कहो विशाल क्या काम है। तो विशाल पूछता है कि मैडम कहीं जाना है क्या।
तो जो उसकी मालकिन होती है वो कहती है, नहीं विशाल अभी कहीं नहीं जाना है, तुम्हारे जो मालिक है वो ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजारते हैं, क्योंकि ये महीने में सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही मेरे पास आते हैं, इसलिए मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, अगर जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम चले जाओ। दोस्तों उसके ठीक अगले दिन सुबह जो विशाल की मालकिन होती है वो विशाल के क्वार्टर के पास जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। लगभग सुबह के 9 बज रहे होते हैं। विशाल जो होता है वो सोया हुआ होता है, क्योंकि वो रात भर जागा रहता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर जो हमारी मालकिन है वो इतने बुजुर्ग आदमी से शादी क्यों की है, इसकी क्या वजह रही होगी, क्योंकि जो हमारी मालकिन है वो इतनी यंग है, खूबसूरत है, हॉट है, आखिर ऐसी भी क्या वजह रही होगी जो इतने बूढ़े आदमी से मेरी मालकिन शादी कर ली है। दोस्तों विशाल जो होता है दरवाजा खोलता है और कहता है कि जी मालकिन कहिए क्या बात है। उसके बाद उसकी मालकिन कहती है कि विशाल जिस स्टोर से मैं सामान लाती हूँ तुम स्टोर जाओ और वहां से फिर से गुलाब जल और फिटकरी लेकर आना, और हाँ थोड़ा ज्यादा लेकर आना क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा जरूरत है। विशाल फिर से परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा है क्या इस फिटकरी और गुलाब जल का राज जो मैडम मुझसे ज़्यादा मंगवाती है और बार बार मंगवाती है, और जब भी खुद जाती है स्टोर पर तो भी लेकर आती है। दोस्तों विशाल ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, अपनी मालकिन से पैसे लेता है और चला जाता है उसे स्टोर पर। जब स्टोर पर जाता है तो जो स्टोर का मालिक होता है वो भी एक बुज़ुर्ग आदमी होता है। वो जो मालिक होता है स्टोर का विशाल को देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि फिटकरी और गुलाब जल लेने आए हो। तो विशाल कहता है हाँ मुझे फिटकरी और गुलाब जल चाहिए, दे दीजिए। वो देते हैं। उसके बाद विशाल जो होता है पैसे दे देता है और लेकर चुपचाप से घर आ जाता है। घर आने के बाद अपनी मालकिन को बुला कर देता है। फिर से जो उसकी मालकिन होती है उसे समझाती है कि देखो विशाल, मैंने जो तुमसे मंगवाया है गुलाब जल और फिटकरी, इसके बारे में तुम अपने मालिक से बिल्कुल भी मत बताना। तो जो विशाल होता है वो कहता है ठीक है मालकिन, आपने मुझे बार बार समझाया है, मैं कभी नहीं बताऊंगा, और वहां से चला जाता है। लेकिन फिर से ये सवाल उसके मन में आ रहा होता है कि आखिर है क्या इसका राज जो मैडम बार बार मुझसे कहती है छुपाने को, किसी को नहीं बताने के लिए, आखिर ऐसा है क्या, आखिर ये करती क्या है, इसका कहाँ लगाती है, कैसे यूज करती है। दोस्तों जो विशाल होता है वो एकदम से परेशान हो जाता है और गाड़ी घुमाता है, चला जाता है उसी दुकान पर पूछने के लिए कि आखिर ये गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है। जैसे ही वो दुकान के अंदर जा रहा होता है उस दुकान का जो ओनर होता है वो मुस्कुरा कर कहता है कि क्या हुआ, गुलाब जल और फिटकरी कम पड़ गए क्या। तो विशाल कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं यही जानने आया हूँ कि सऊदी की जितनी भी औरतें होती है वो गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है। तो दोस्तों वो बुजुर्ग आदमी होता है वो कहता है हंसकर कि अरे बेटा तुम ये जानकर क्या करोगे, तुम दूसरे मुल्क से आए हो, तुम ये मत जानो तो ही तुम्हारी इसमें भलाई है। दरअसल यहाँ की सभी औरतें गुलाब जल और फिटकरी का बहुत ज़्यादा यूज करती है। पूरे सऊदी में जितने भी बार मेरे दुकान में माल आती है वो तुरंत बिक जाती है और पूरे सऊदी में इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है। बस तुम मत पूछो कि इसका औरतें करती क्या है, वैसे भी तुम जानकर करोगे क्या। दोस्तों जो दुकान का ओनर होता है वो भी साफ साफ विशाल को नहीं बताता है कि सऊदी की जो भी औरतें होती है वो गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है। और दोस्तों इस तरह से लगभग एक हफ्ते गुजर जाते हैं उस मालकिन के हस्बैंड को घर आए हुए, और एक दिन मालकिन कहती है कि विशाल चलो गाड़ी निकालो, तुम्हारा जो मालिक है आज फिर से दूसरे कंट्री जा रहा है जहाँ से वो आए हुए थे। दोस्तों यह बात सुनकर विशाल एकदम से खुश हो जाता है और खुशी खुशी वो गाड़ी निकालता है। जो उसका मालिक और मालकिन होते हैं वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और फिर उसके मालिक को वो लोग एयरपोर्ट पहुँचा देते हैं। एयरपोर्ट में उनका जो फ्लाइट होता है वो आ जाता है और जो उसके मालिक होते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर दोनों लोग आते हैं घर, घर आकर रेस्ट करते हैं। और फिर उसके अगले दिन सुबह सुबह जो उसकी मालकिन होती है विशाल के क्वार्टर में जाती है और जाने के बाद विशाल को कहती है कि विशाल आज मुझे शॉपिंग पर लेकर नहीं जाओगे, तुम्हारे मालिक चले गए हैं और घर में बहुत सारे सामान नहीं है, मुझे लाना है, चलो मेरे साथ। जो विशाल होता है वो जल्दी जल्दी रेडी होता है, नाश्ता भी नहीं करता है और अपनी मालकिन के साथ चला जाता है शॉपिंग करने के लिए। दोस्तों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उसकी मालकिन एक कैफे में लेकर जाती है और वहां जाकर विशाल से पूछती है कि चलो विशाल तुम्हें क्या खाना है बोलो। जो विशाल होता है वो कहता है मैडम मुझे कुछ नहीं, बस आपको जो पसंद है वही ऑर्डर कीजिए। तो जो उसकी मालकिन होती है बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती है, वो दोनों मिलकर खाते हैं बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद
फिर जो उसकी मालकिन होती है वो कहती है, चलो विशाल जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ मुझे उसी स्टोर पर ले चलो, मुझे गुलाब जल और फिटकरी और कुछ घर के चीज़ों की सामान भी लेनी है। दोस्तों विशाल के मन में यह बात सुनने के बाद फिर से उसके मन में हलचल होने लगती है। वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये फिटकरी और गुलाब जल का राज है क्या। वो मैडम से पूछ भी नहीं पाता है क्योंकि ज़्यादा कुछ पूछेगा तो वहाँ का जो कानून है वो बहुत सख्त है, कहीं उसे जेल ना हो जाए या फिर उसे सजाए मौत ना हो जाए। तो दोस्तों इसलिए विशाल कुछ पूछता नहीं है, उसकी मैडम जैसा बोलती है वो वैसा ही करता है। अपनी मैडम को लेकर चला जाता है उसी शॉप पर। वहाँ पर जाने के बाद उसकी जो मैडम होती है गुलाब जल फिटकरी लेती है, उसके अलावा घर के ज़रूरतों की सारा सामान भी वो वहाँ से लेती है। सारा सामान लेने के बाद जो सामान होता है विशाल गाड़ी के डिक्की में रख देता है, और जो उसकी मालकिन होती है वो पीछे की सीट पर नहीं बैठकर उस दिन वो आगे की सीट पर बैठ जाती है। विशाल भी देखकर एकदम से चौंक जाता है। विशाल गाड़ी स्टार्ट करता है और चलाने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद विशाल अपनी मालकिन से पूछता है कि मैडम अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ। तो जो उसकी मालकिन होती है वो कहती है, हाँ विशाल पूछो क्या बात है। तो विशाल कहता है कि मैडम आपकी उम्र भी लगभग 27-28 साल की है, आप बहुत खूबसूरत है, एकदम यंग है, लेकिन आपने 55-60 साल के बुजुर्ग आदमी से शादी क्यों की आपने, क्या आपकी शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है। दोस्तों जब विशाल इतना पूछता है तो उसकी जो मैडम होती है वो आग बबूला हो जाती है, उसके पैरों तले एकदम जमीन खिसक जाती है और एकदम खौल जाती है वो। दोस्तों जो उसकी मालकिन वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की सवाल करते हुए, तुम एक नौकर हो और नौकर के तरह ही रहो, ज़्यादा मालिक बनने की कोशिश मत करो। मेरे निजी मामले में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे निजी ज़िंदगी मैं कैसे चल रही हूँ, तुम्हें यह सब जानने की जरूरत क्या है। मेरा हस्बैंड बूढ़ा है या जवान है, कैसा भी हो मेरा हस्बैंड है, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों जो विशाल होता है वो कहता है, मैडम मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि आप इतनी यंग हो और आपका हस्बैंड इतना बूढ़ा है, अगर आपको बुरा लगा तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, शायद मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। दोस्तों जो उसकी मैडम होती है वो डांट देती है, उसके बाद विशाल चुप हो जाता है और ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जो विशाल की मैडम होती है वो अंदर चली जाती है, विशाल अंदर सामान रख देता है और वो अपने क्वार्टर में आ जाता है। क्वार्टर में आने के बाद वो परेशान हो रहा होता है, पछता रहा होता है कि क्यों मैंने मैडम से ये सब सवाल किए, मैडम गुस्सा हो गई और मुझे डांट भी रही थी। दोस्तों जो विशाल की मालकिन होती है वो बहुत गुस्से में होती है, इसलिए विशाल उस दिन दोबारा अपने मालकिन के पास नहीं जाता है और उनसे कुछ कहता भी नहीं है, और ना ही उसकी मालकिन उस दिन विशाल के पास आती है और कोई काम देती है। दोस्तों लेकिन उसके अगले ही दिन फिर से जो विशाल की मालकिन होती है विशाल के क्वार्टर के पास जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि विशाल मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, चलो गाड़ी निकालो। दोस्तों जो विशाल होता है वो गाड़ी निकालता है और अपने मालकिन के साथ चला जाता है शॉपिंग करने के लिए। जो विशाल की मालकिन होती है वो एक कपड़े के दुकान में जाती है और कपड़े खरीद रही होती है। विशाल जो होता है अपने मालकिन के साथ ही खड़ा होता है। उसकी मालकिन एक कपड़ा सेलेक्ट करती है और दिखाती है विशाल को कि विशाल देखो ये कपड़ा मुझ पे कैसा लग रहा है। तो दोस्तों विशाल कहता है कि मैडम आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ये कपड़ा तो आप अपने पति के लिए पहनोगी, आप अपने पति से ही पूछ लीजिए कि ये कपड़ा आप पे कैसा लग रहा है, ऐसा कीजिए कि आप फोटो क्लिक कीजिए और आप अपने पति को भेज दीजिए, वही बताएंगे आपको कि आप पर ये कपड़ा कैसा जच रहा है, क्योंकि मैं बताकर क्या करूँगा, आप तो पहनोगे अपने पति के लिए, अपने पति को ही दिखाओगी, तो बेहतर है कि आप उनसे ही पूछ लो। दोस्तों जो उनकी मालकिन होती है विशाल की वो वहीं पर कपड़ा रखती है और वहाँ से कोई ख़रीदारी नहीं करती है और आकर गाड़ी में बैठ जाती है। दोस्तों जो विशाल होता है विशाल भी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और गाड़ी चालू कर देता है, गाड़ी वो चलाने लगता है। उसके 5 मिनट तक दोनों मौन रहते हैं। 5 मिनट के बाद ही जो उसकी मालकिन होती है वो कहती है कि विशाल तुमने जो सवाल किया था, तुम्हारे मन में जो सवाल है कि मेरी जो शादी है वो मजबूरी में हुई है और इतने बुजुर्ग आदमी से क्यों हुई है। तो विशाल देखो ये बात सच है कि ये जो शादी मेरी हुई है वो मेरी मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि मेरे मर्जी के खिलाफ हुई है।
देखो विशाल, मेरे माँ बाप कौन है कौन थे मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि बचपन में ही मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और एक अंग्रेज के पास मुझे बेच दिया था। मेरा जो बचपना है वो एक अंग्रेज के घर में गुजरा। उन लोगों ने मेरा खूब ख्याल रखा, अच्छे अच्छे खाने खिलाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, मेरा खूब ध्यान रखा। उन लोगों ने मेरा इतना ध्यान सिर्फ इसलिए रखा ताकि मैं बड़ी हो जाऊँ तो वो लोग मेरे से पैसे कमा सकें, मुझसे धंधा करवा के मेरे से पैसे कमा सकें। बस उन लोगों ने इसीलिए मेरा इतना ख्याल रखा। जब मैं 14-15 साल की हुई तब मुझे इस बात का पता चला, क्योंकि जब मैं बड़ी हो गई, जवान हो गई, तब मेरी जो मालकिन है जिन्होंने मुझे पाला था, उन्होंने कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो, खूबसूरत हो गई हो, तब तुम अब धंधे में उतर जाओ, क्योंकि जितना मैंने तुम पर खर्चा किया है अब वो सब वसूलना है। और एक दिन एक बहुत ही रईस आदमी आता है, बहुत ही मालदार आदमी आता है मुझे खरीदने के लिए, मेरे साथ रात गुजारने के लिए, और वो आदमी कोई और नहीं होता है बल्कि तुम्हारा मालिक होता है। लेकिन विशाल, तब मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, और ये मेरा पहला दिन है कि किसी ने मुझे खरीदा है, मेरी बोली लगाई है। देखिए, अगर आपको ये सब करना ही है तो आप जिंदगी भर के लिए मुझे अपनी कनीज बना लीजिए, आप अपनी बीवी बना लीजिए मुझे, ताकि मैं हमेशा आपके साथ रह सकूं। अगर आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे मालिक ने मुझसे इतना कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं भागोगी। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आप जैसा रखना चाहोगे मैं वैसा ही रहूंगी। तो तुम्हारे जो मालिक होते हैं वो मेरी बात को मान लेते हैं और फिर मेरे मालकिन के पास चले जाते हैं, उनसे मुंह बोली कीमत लगाकर वो मुझे खरीद लेते हैं और मुझसे शादी कर लेते हैं। शादी करके जब वो अपने घर ले जाते हैं मुझे, तो उनकी जो पहली बीवी होती है वो उनसे झगड़ा लड़ाई करती है और कहती है कि इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकती, इसे आप कहीं और रखिए। तो तब मेरे पति मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो आउट ऑफ कंट्री घूमने का बहुत शौक है, चलो अब तुम सऊदी अरब में रहोगी, वहां पर भी मेरा घर है, तुम वहीं रहना और महीने में 8 दिन में तुम्हारे पास रहूंगा, और महीने के 22 दिन मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा, बड़ी वाली बीवी के साथ। तो इस तरह से उनका जो भी फैसला था मैं मान ली थी, और इस तरह से मैं सऊदी अरब में अकेले रहती हूँ इतने बड़े घर में, और वो अपनी बड़ी बीवी के साथ दूसरे मुल्क में रहते हैं अपने पहली बीवी और बच्चों के साथ। जब भी वो आते हैं महीने में, हफ्ते के 8 दिन मेरे साथ रहते हैं और बाकी के 22 दिन वो अपनी बड़ी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ दूसरे मुल्क में रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। दोस्तों, जब विशाल यह सब सुनता है उसके बाद उसकी मालकिन और ये बात भी कहती है कि देखो विशाल, मुझे पता है जब मुझे तुम पहली बार देखे थे तभी से तुम मुझे पसंद करते हो, और यह बात मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी नजरों से ही मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को कभी धोखा नहीं दे सकती। वो जैसे भी है, आधे उम्र के है या बुढ़े है, जैसे भी है वो मेरे हस्बैंड है, मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। और तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे हस्बैंड की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे साथ रंगरलिया मनाऊंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपने हस्बैंड को कभी धोखा नहीं दे सकती। दोस्तों, यह सब बात सुनने के बाद विशाल के मन में और दिल में, दिमाग में अपने मैडम के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है, और विशाल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अभी के दौर में इस तरह की भी महिलाएं हैं, इस तरह की भी औरतें हैं जो अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उसका हस्बैंड ही उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन विशाल के मन में एक सवाल और भी था जो उसे परेशान कर रहा था। उसके बाद विशाल कहता है कि मैडम, एक सवाल और है मेरे मन में जो मैं हमेशा जानने की कोशिश किया लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं, और आपसे कभी पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो उसकी मैडम कहती है, हाँ कहो क्या बात है। तो दोस्तों, विशाल अपनी मैडम से पूछता है कि मैडम, अब गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है। तो दोस्तों, जो उसकी मैडम होती है वो मुस्कुराती है और कहती है कि इसका ज्यादा कोई राज नहीं है। देखो, सऊदी अरब की जितनी भी औरतें हैं ज्यादातर सब मुंह ढक के ही बाहर निकलती है, लेकिन तुमने जितने भी औरतों को चेहरे खुले हुए देखे हैं, सभी औरतों को तुमने देखा होगा कि बेहद खूबसूरत है, किसी के भी चेहरे पे एक भी दाग धब्बा नहीं है, पिंपल्स नहीं है, और सभी गोरी गोरी है। यह सब एक खूबसूरती का राज है, और उस खूबसूरती का राज यही है कि यहाँ की सभी औरतें गुलाब जल और फिटकरी लगाती है।
है, फिटकरी को पीस कर गुलाब जल में मिलाकर उसका पेस्ट बनाती है, उसका लेप अपने चेहरे पर लगाती है और लगभग आधे घंटे के बाद उसे धो देती है। धोने के बाद ही उसके चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाता है और वो हमेशा रोजाना ऐसा ही करती है। और यही वजह है कि मैं हर रोज या फिर कभी कभी ज्यादा भी तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाया करती थी। इसके अलावा इसका कोई राज नहीं है। और दोस्तों, कभी भी औरतें और लड़कियां अपनी खूबसूरती का राज कभी किसी को नहीं बताती है, और यही वजह है कि सऊदी अरब की औरतें भी अपनी खूबसूरती का राज कभी किसी को बताती नहीं है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपने अपनी राय ज़रूर दीजिए, और अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।